दुर्ग जिला वॉलीबॉल चैंपियनशिप पुरुष एवं महिलाओं का आयोजन भिलाई सेक्टर 2 ग्राउंड भिलाई स्पोर्ट्स एकेडमी में 22 सितंबर से 20 सितंबर तक किया गया। इस आयोजन में 10 पुरुष एवं 8 महिलाओं की टीम ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन करने प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव मैदान में पहुँचे और खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन किया। भिलाई स्पोर्ट्स एकेडमी द्वारा खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण देकर राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए तैयार किया जा रहा है। वहीं अनेकों स्पर्धाएं भी कराई जा रही है। इसी कड़ी में भिलाई स्पोर्ट्स एकेडमी के द्वारा दुर्ग जिला वॉलीबॉल चैंपियनशिप का 4 दिवसीय आयोजन किया गया। इसमें जिले की लगभग 10 पुरुष व 8 महिला टीम ने भाग लिया। इस 4 दिवसीय चैंपियनशिप का समापन रविवार को हुआ। समापन अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव प्रमुख रूप से शामिल हुए। साथ ही अरुण सिसोदिया व पूर्व विधायक बीरी कुरैशी व पूर्व जिलाध्यक्ष तुलसी साहू शामिल रहे। अतिथियों का स्वागत सम्मान के बाद मुख्य अतिथि ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया, साथ ही उनका उत्साह वर्धन किया। साथ ही इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय शख्सियतों का सम्मान भिलाई स्पोर्ट्स एकेडमी के द्वारा किया गया। सम्मान के रूप में प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। साइकिलिंग एसोसिएशन जैसा है वहाँ उपस्थित लोगों को मुख्य अतिथि टीएस सिंहदेव ने संबोधित किया। लेकिन संयोग से दुर्भाग्य से वॉलीबॉल एक खेल है जो मैं नहीं खेला, तो आज बॉल खोल दिया आपने। लेकिन मैं आभारी हूँ कि आप लोगों ने अपने बीच में आने का ये मौका दिया। भिलाई सदैव खेल प्रेमियों का केंद्र रहा है, उत्कृष्ट खिलाड़ियों के पदक के आगे बढ़ने का की भूमि ये रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, राष्ट्रीय स्तर के, राज्य स्तर के अनेकों खिलाड़ी भिलाई से या भिलाई में जो प्रशिक्षण मिलता है उसके माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। ये सिलसिला हमेशा चलता रहे। वहीं इस 4 दिवसीय चैंपियनशिप को लेकर भिलाई स्पोर्ट्स एकेडमी के संस्थापक ख्वाजा अहमद ने अपनी प्रतिक्रिया ग्रैंड एशियन न्यूज के समक्ष दी। हमने अभी 22 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक सेक्टर 2 भिलाई स्पोर्ट्स एकेडमी के ग्राउंड पे वॉलीबॉल डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप का आयोजन किया, जिसमें महिला एवं पुरुष दोनों वर्ग का था और करीब 18 टीमों ने इसमें भाग लिया। और यह आयोजन हमारी एक भिलाई स्पोर्ट्स एकेडमी की सोच थी कि हम एक अच्छा आयोजन करें जिसमें खिलाड़ियों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे सके, तो उसके तहत हमने ये टूर्नामेंट को आयोजन किया 22 सितंबर से 25 सितंबर तक, जिसमें क्लोजिंग में हमने हमारे यहाँ के जो मुख्य स्वास्थ्य मंत्री है टीएस सिंहदेव जी, जो छत्तीसगढ़ शासन के हैं, उनको हमने मुख्य रूप से बुलाया था हमारे ग्राउंड पे खिलाड़ियों को आशीर्वाद के लिए। तो उन्होंने हमें समय दिया और वो खुद आए, साथ में हमारे जो अध्यक्षता कर रहे थे बीडी कुरैशी जी थे और तुलसी साहू मैडम थी, अरुण सिंह भाई थे और बहुत से खेल प्रेमी भी आए थे, जो जैसे कि कई खेल संघ के लोग जुड़े हुए थे आवारी शासन से, उन्होंने भी आया और खेल का आनंद भी लिया और खिलाड़ियों को बहुत उत्साहवर्धन किया उन्होंने हमारे इस खेल को लेके। वहीं उन्होंने ग्राउंड के संधारण व वहां खिलाड़ियों को मिलने वाली सुविधा, साथ ही महिला खिलाड़ियों के लिए चेंजिंग रूम बनवाने की अपील की। हम इस चीज़ को लेके हमारे जो भिलाई नगर के विधायक हैं माननीय देवेंद्र यादव जी, 22 तारीख को जब इसका ओपनिंग सेरेमनी जिस दिन हुआ था मैचेस का, तो उन्होंने आए थे हमको और हमारे सभी खिलाड़ियों को आश्वस्त किया कि मैं बहुत जल्दी इस ग्राउंड के लिए चेंजिंग रूम और वॉशरूम की व्यवस्था कराऊंगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर मैक्सिमम गर्ल्स लड़कियाँ खेलती हैं और सब एक निम्न परिवार से है और एक अच्छा वातावरण है उस ग्राउंड पे। तो हमारे विधायक जी भी हमें समय समय पर सपोर्ट करते हैं और मुझे पूरा यकीन है कि हमारे देवेंद्र भाई इस ग्राउंड को और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि उनकी देन है जो आज घेरा फेंसिंग जो हुआ था, ये हमारे विधायक जी की देन है। बहरा समापन अवसर पर मैच में विजयी टीम को पुरस्कृत भी किया गया। इस अवसर पर खेल जगत से जुड़े लोग बड़ी संख्या में शामिल रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट।